आप सभी का स्वागत है EISPOS क्वेश्चन में। वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना की शुरुआत होने जा रही है, जो कि खुद SIT की ओर से इसके लिए पहल किया गया और इसको लेकर सारी बातें बिल्कुल आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि इस योजना के अंतर्गत किन किन छात्रों को लाभ मिलेगा, क्या पूरे दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और इसमें किन किन छात्रों को लाभ मिलने वाला है, इन सभी को लेकर सारी बातें करेंगे। सब पढ़ाई में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद यानी कि SIT ने अपने सभी मान्यता प्राप्त कॉलेजों को पत्र लिखकर इस योजना को शुरू करने को कहा है। इसके बाद से आगे देखें जो बातें कहा गया कि खास बात यह है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग वर्ग के छात्रों के लिए CSR फंडिंग के माध्यम से लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा। SIT के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वे अपने सभी कॉलेज की राज्य शिक्षा नीति के तहत ये योजना ला रहे हैं। दरअसल विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, वाणिज्य, कला आदि के छात्रों के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल उपयोग जरूरी है, क्योंकि तेजी से बढ़ती डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी किसी भी पाठ्यक्रम, स्ट्रीम या डोमेन में छात्रों को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा फैसला है SIT की ओर से किया गया। काफ़ी महीनों से इस पर विचार विमर्श चल रहा था और फाइनली अब ये जो फैसला है वो किया गया। सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी को इस पर जो नोटिस है वो भेज दिया गया और माने माने जाते हैं। तो अब SIT की ओर से फैसला किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत देखते हुए जो सारे फैसले वो किए गए हैं कि जितने भी टेक्निकल कॉलेज होते हैं उनकी ओर से जो वितरण है वो करवाया जाएगा। वन स्टूडेंट वन लैपटॉप जो स्कीम है वो लाया गया और यहाँ पे जितने भी रूप से और दिव्यांग छात्र छात्राएं होंगे उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और यहाँ पे ये जो फैसला है वो सरकार के अंतर्गत नहीं आता, सरकार की ओर से वितरण नहीं करवाया जाएगा, वो SIT की जो फंडिंग होती है CSR की उसके अंतर्गत आपके जो वितरण है वो करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फैसला SIT की ओर से किया गया है, जहाँ पे वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना के अंतर्गत जो वितरण है वो करवाया जाएगा। बाकी जितने भी और दिशा निर्देश जब जारी किए जाएंगे इसको लेकर और बातें बताई जाएंगी, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, क्या सारे प्रोसेस होंगे। अभी फिलहाल जो दिशा निर्देश हैं वो नहीं जारी किए गए, अभी केवल कॉलेजेस को ही जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। तो जो भी सारे अपडेट होंगे बिल्कुल आपको विस्तार से बताया जाएगा। बाकी की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और आपका कोई सवाल रह जाता है तो अपने सवाल को भी कमेंट कर दें।